चिराग पासवान एक शेर का बेटा जो खुद दूसरे के बैसाखी से चल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो ये उनकी अपनी सोच। निश्चित तौर से नगर परिषद में हम चेयरमैन के दावेदार होंगे। जातीयता उम्दा फैलाकर बिहार में सिर्फ गति पर बने रहना चाहते हैं। राजद में जाने का ना मेरा कोई मकसद है ना मेरा सोच है। समता मूलक अगर समाज की कोई स्थापना करता है बिहार में तो वो चिराग पासवान है। ये मायने नहीं रखता है कि किसके पार्टी में कितना सीट आया, मायने ये रखता है कि आप विपक्ष को कितना हरा सके। भी कल कोई मंत्री बन जाए, ये बने, हम भी रात सोते हैं तो हम भी सपना देखते हैं। आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? कुछ चंद नेताओं के कारण है। हम लोगों का क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, हम लोगों का ऐतिहासिक भूगोल जो है वो बिगड़ जाएगा। हम लोग का मांग है कि यहाँ एलिवेटेड फ्लाई ओवर हो पिलर वाला। यह लड़ाई सिर्फ पर्सनल सिंटू कुमार की नहीं है, ये लड़ाई तमाम नगर परिषद बीहट की जनता का है, ये तमाम क्षेत्रवासियों का लड़ाई है। और हम लोग सभी से आग्रह भी करते हैं कि आप लोग आइए इस लड़ाई में। अदब इतना कि आज भी कदमों में पड़े हैं, अना इतना कि लंका को भी खाक कर दें। इतनी बड़ी ताकत लिए हुए बहुत ही शांतिपूर्ण खड़े हमारे साथ था लोजपा नेता जो रामविलास पासवान की लोजपा है, चिराग पासवान की लोजपा है, उसके कद्दावर नेता सिंटू जी हैं हमारे साथ और लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और आजकल एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि सिंटू जी को राजद से ऑफर मिलने लगा है, तो क्या सिंटू जी अब राजद की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, क्या राजद की तरफ चले जाएंगे? तो इन तमाम प्रश्नों को आज हल करने के लिए हम लोग सिंटू जी के पास आए। सिंटू जी, सुर्खियां चल रही है कि अब बड़ा ऑफर आ गया है राजद से, क्या लग रहा है गाड़ी उसकी तरफ चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी शब्दों में नकार दिया। बिल्कुल ये खबर आपको कहीं भी मिली है तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, ऑफर मिला था? नहीं नहीं, ऐसे ही देखिए, ऑफर तो आप राजनीति अगर करते हैं सच तो कहीं ना कहीं हर पार्टी से आपको ऑफर मिलते रहेगी, लेकिन मेरा कहीं से भी राजद में जाने का ना मेरा कोई मकसद है ना मेरा सोच है कहीं से दूर दूर, क्योंकि हम लोग जमात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग विचारों की राजनीति करते हैं, नीतियों की राजनीति करते हैं। और बिहार फर्स्ट की जो विचारधारा है हम लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए कहीं से यह तो दूर दूर तक सोचने की भी बात नहीं है। अच्छा, सरकार है, राजद की सरकार है और अभी सत्ता में है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसको सिरे से नकार रहे हैं, कोई खास वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ही एक ऐसे युवा नेता हैं बिहार में जो समता समानता की बात करते हैं। आप उनका हर इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए, हर तरह के कार्यकाल को उनके कार्यकाल को आप देख लीजिए, वो हमेशा आपको मानवता और इंसानियत के पुजारी हैं। वो समता समानता की बात करते हैं, जाति धर्म मजहब पोशाक से दूर, समता मूलक अगर समाज की कोई स्थापना करता है बिहार में तो वो चिराग पासवान है। वहीं आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी को, जातीयता उम्दा फैलाकर बिहार में सिर्फ गद्दी पर बने रहना चाहते हैं, तो ये अंतर है। तो चिराग जी एक बिहार के विकल्प हैं, बिहार के एक उभरते सितारा है, बिहार के भविष्य है, इसलिए हम चिराग पासवान जी के साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं, तो हम लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे जो समता समानता की बात करेगा। अच्छा सर, रामविलास पासवान जी जब थे और अब की चिराग वाली लोजपा, कितना अंतर देखते हैं माइंडसेट में, चिराग के माइंडसेट में या रामविलास पासवान जी के माइंडसेट में, कितना फर्क आया है या फिर लोजपा में कितना फर्क आ गया? देखिए कोई फर्क नहीं आया, पार्टी तो हमेशा व्यक्ति पे या किसी एक पे नहीं चलती है, तो पारस जी अपने जगह गए, उनको लगा कि उनको सिर्फ राजनीति में सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनना था, इसलिए वो इस तरह का सोच रखा। वहीं आप चिराग जी भी केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना, यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी कि बिहार में जो चिराग केंद्रीय मंत्री हो सकता था वो चिराग खुद के लिए गड्ढा क्यों खोदने लगे हैं, बिहार की जनता के लिए, उनके विकास के लिए। वो मैंने अभी भी कहा है कि वो समता समानता की बात करते हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने देखा कि बिहार में ये सब चीज़ की कमियां हैं और नीतीश कुमार की कमियां जो है वो गिनाने लगे बिहार में, वो उनको अच्छा नहीं लगा,
तो कहीं ना कहीं ये कमी है। और चिराग पासवान एक अच्छे युवा है और हमारे बिहार के भविष्य, अभी आप देख लीजिए हर घर में चिराग जलने की उम्मीद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देख लीजिए कहीं भी उनकी रैली को देख लीजिए, उनके व्यक्तित्व को देख लीजिए, उनके विचार को देख लीजिए, उनके तरफ रुझान को देख लीजिए, युवाओं का समर्पित भाव देख लीजिए। तो कहीं भी राजनीति से नहीं है, इनके प्रति एक भावना लोगों का बढ़ता जा रहा है। यह उनके विचार और लोकप्रियता जो है वो चिराग पासवान को बिहार के गद्दी पर बैठाने में पूर्णतः रूप से मदद करेगी। अच्छा, एक चर्चाएं हो रही है चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। आखिरकार चिराग मॉडल है क्या और क्या खास बातें चिराग मॉडल में आप लोगों को दिख रही हैं, क्योंकि आप बहुत करीब भी हैं चिराग पासवान जी के, तो क्या खास है चिराग मॉडल में? देखिए चिराग मॉडल हर जुबान पे इसलिए आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को जो सत्ताधारी दल के नेता हैं उनको गद्दी से उतारना या उनको धराशाही करना, ये वही कर सकता है जो जिसमें वो ताकत हो, जो एक शेर का बेटा हो। शेर का बेटा भी कई बार बोले बिल्कुल, चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, तो उसी में वो क्षमता थी जो नीतीश कुमार को कड़ा मुकाबला करके उनको धराशाही कर दिया बिहार में। वो एनडीए में जाके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जनता उनको सिरे से नकार दिया था। और इसका धराशाही करने में हमारे चिराग पासवान जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का अहम योगदान रहा। तो हमारी पार्टी को कितनी सीट आई ये मायने नहीं रखता है, या किसी भी पार्टी में ये मायने नहीं रखता है कि किसके पार्टी में कितना सीट आया, मायने ये रखता है कि आप विपक्ष को कितना हरा सके। तो हम लोगों ने उसमें सफलता हासिल की है और एक सफल नेता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी साबित हुए हैं बिहार में, जो उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ताधारी दल को नीचे का रास्ता दिखाया। अच्छा सिंटू जी, एक बात और, बिहार की राजनीति पर चर्चाएं होने लगी तो आजकल एक बातें चल रही है कि नीतीश जी पीएम होंगे, नीतीश जी पीएम होंगे, तो क्या लग रहा है नीतीश जी पीएम हो जाएंगे, चिराग जी सीएम हो जाएंगे बिहार में? देखिए नीतीश जी पीएम हो जाएंगे कि क्या होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो सोचने वाली बात है, जिनके पास खुद का सपोर्ट नहीं हो, खुद का सांसद नहीं हो, जो खुद दूसरे के बैसाखी से चल रहे हो, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है। हम कुछ भी देख सकते हैं, हमारा भी इच्छा है कि हम भी कल कोई मंत्री बन जाएं, ये बने, हम भी रात सोते हैं तो हम भी सपना देखते हैं। अब बनना नहीं बनना तो ऊपर की बात है, लेकिन सोचते हैं हम भी है, चूँकि राजनीति में तो सोचना स्वाभाविक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये उनकी अपनी सोच। चिराग तो देखिए, चिराग बिहार के भविष्य हैं, ये कभी मुख्यमंत्री बिहार का नहीं रहे। इनकी जो विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जो लेकर चला है इन्होंने, उस विजन को जानने का कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि बिहार में अगर उस मॉडल पे बिहार अगर चल पड़ती है तो भारत का अग्रिम राज्य बिहार होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, आप बिहार से आप मजदूरी करने कहीं भी आप जा रहे हैं बिहार में, तो आप कहीं सुनते हैं कि बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से हो, या दिल्ली से हो, या गुजरात से हो, जो भी बिहार में लोहा के लोग बिहार आ रहे हैं रोजगार करने, मजदूरी करने, क्यों? क्या बिहार में ऐसा कौन सा कमी है भाई? बिहार में क्या नहीं था? विश्वविद्यालय हमारे बिहार में थे, बिहार ने एक से एक कर्म भूमि को जन्म दिया। हमने लोगों को कामासूत्र के आधार पर पूरे विश्व को ज्ञान दिया है कि कैसे अपना जीवन यापन किया जाए, तो क्या नहीं दिया? सब कुछ हमने दिया है। आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? कुछ चंद नेताओं के कारण है, ये तो सोचने की बात है। आखिर हम नहीं समझ रहे तो ये हमारी कमी है? तो यहाँ सिर्फ राजनेताओं की कमी के कारण, नेताओं के भंवर में फंस के जो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, वोट डालते हैं, ये उनकी कमी है जो ऐसे लोग सत्ताधारी बनकर हम लोगों को लूट रहे हैं। सिंटू जी, विगत 6-8 महीनों से जो बातें बहुत ही सुर्खियों में है कि आप लोग फ्लाईओवर जो बन रहा है उस पर रोज दिन सवाल खड़े कर रहे हैं, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो पूरा मसला क्या है और आप लोग चाहते क्या है? देखिए हम लोग चाहते हैं कि एलिवेटेड फ्लाईओवर हो बीहट, नगर परिषद बीहट में, NH 31 से गंगा नदी से चल के
अब देख रहे होंगे बिहार चौक से जब आप आते हैं तो कितनी आबादी का ये क्षेत्र, कितना बड़ा बाजार है ये, और नगर परिषद हम लोग सारी क्षेत्र में भी आते हैं। तो जिस तरह से वहाँ दीवार वाला ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, अब देख लीजिए कि रोड के उस पार और इस पार, पूर्वी और पश्चिमी, हम दोनों भागों में बटेंगे तो अलग बट जाएंगे। मेरी सारा स्कूल, सारा सुविधा जो है वो पूर्वी में है, और पश्चिमी में हम लोग बहुत ज़्यादा आबादी में है, उधर कम आबादी है। तो हम लोग सारे बच्चे इधर से ही रोड टप के उधर जा रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ होगी। बाजार में लगभग यहाँ 20-40 गांव का ये बाजार है, लगभग हर दिन 10,000 लोग बाजार से गुजरते हैं, आते हैं, लाखों लोग सड़कों पर से गुजरते हैं। तो इस तरह का जो मार्केट है, हम लोगों का क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, हम लोगों का ऐतिहासिक भूगोल जो है वो बिगड़ जाएगा। जो हम लोग धरोहर कहते हैं, एक बिहट नगर परिषद बिहट एक क्रांतिकारियों की धरती रही है, बारदोली की धरती रही है, और ऐतिहासिक धरती हम लोग इसे मानते हैं, सांस्कृतिक की धरती मानते हैं। ये चीज खत्म हो जाएगा, कहीं भी विलुप्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो हमारी लड़ाई लड़ना कहीं से भी नाजायज नहीं है, जायज है। हम लोग अपने, हम लोग का मांग है कि यहाँ एलिवेटेड फ्लाई ओवर हो पिलर वाला, जिससे नीचे भी पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, लोगों को आने जाने की सुविधा से निजात मिल जाएगी। बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो तमाम देखते हैं, दुकानदार जो हैं उनको भी सारी सुविधाएं मिलेगी इससे। तो हम लोग एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का वो इस पर संज्ञान लें, हमारी बातों को हम चाहेंगे कि इस माध्यम से भी कहीं ना कहीं पहुँचे, कोई सुन ले कि इसे एलिवेटेड फ्लाईओवर कर दे। और यह लड़ाई सिर्फ पर्सनल सिंटू कुमार की नहीं है, ये लड़ाई तमाम नगर परिषद बीहट की जनता का है, ये तमाम क्षेत्रवासियों का लड़ाई है। और हम लोग सभी से आग्रह भी करते हैं कि आप लोग आइए इस लड़ाई में, इस लड़ाई में आइए और एलिवेटेड का मांग कीजिए। चूँकि आज अगर एलिवेटेड नहीं होता है तो कल के डेट में हम सभी लोग परेशानियों का सामना करेंगे, जिसका खामियाजा हम लोग जिंदगी भर भुगतेंगे। वो भुगतने से बेहतर है कि कल जो हम लड़ाई लड़ेंगे वो आज हम क्यों नहीं लड़ें। तो आप लोग आइए और इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और सरे की जहाँ तक बात रही है, आजकल बेगूसराय में ये सब भी बहुत सारा होता है, तो हम लोग तो छोटे एक मामूली कार्यकर्ता है, सरे जिनको लेना हो आप ले लीजिए, सरे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एलिवेटेड फ्लाई ओवर हो जाना चाहिए, हमें उससे मतलब है। सरे जिनको लेना हो आप लीजिए, चाहे वो कि कोई दल हो, कोई नेता हो, मुझे तो सिर्फ एलिवेटेड फ्लाई ओवर चाहिए। इसलिए ये सब भी दिलो दिमाग से निकाल कर एलिवेटेड फ्लाई ओवर की मांग को लेकर आप तमाम नगरवासी आगे आइए, मेरा यह आप लोगों से आग्रह है। जिस धरती पर खड़ा हूँ मैं वो बताना भूल गया था, ये धरती बिहट की है, क्रांतिकारी की धरती है, और जो पूरा नगर परिषद बिहट आप देखते हैं अपने आप में इतिहास है। ये वो धरती है जहाँ से वर्तमान समय का सबसे मुखर युवा बाहर आता है, कन्हैया कुमार। ये वो धरती है जहाँ पर कॉमरेड चंद्रशेखर दिखते हैं। ये वो धरती है जहाँ बगावत के सुर आपको सबसे पहले दिखते हैं। लेकिन जब बिहट के इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश हो तो आप नगर परिषद बिहट की ही नहीं, पूरे बेगूसराय के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि इसका इतिहास, इसका भूगोल जो बिहट है, बिहट खत्म हो जाएगा। और सर, आजकल चुनाव भी होने वाला है इस क्रांतिकारी धरती पर नगर परिषद का, क्या सोच रहे हैं आप भी आगे आकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा माइंड में चल रहा है? जी नहीं, ऐसी मेरा कोई मंशा नहीं है, अगर रहता तो हम लोग तैयारी जरूर करते और तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा इसका कोई निर्णय नहीं दे सकता है, इसलिए अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन समय के हिसाब से चलना चाहिए, और समय के हिसाब से अगर समय कहेगी तो निश्चित तौर से नगर परिषद में हम चेयरमैन के दावेदार होंगे। और राजनीति जब करते हैं तो चेयरमैन में अगर हम खड़ा होंगे तो कोई गलती तो करेंगे नहीं। तो बड़े राजनेताओं की यही बड़ी बात है कि इशारे में बहुत सारी बातें कह देते हैं। सिंटू भाई, अब आगे की जो आपकी राजनीति है, वर्तमान राजनीति, आगे की राजनीति, आगे आपकी राजनीति क्या होने वाली है? क्योंकि आप कद्दावर नेता है लोजपा रामविलास पासवान के, क्या राजद से बिल्कुल नकार रहे हैं अभी भी? जी बिल्कुल, देखिए हम अभी एक ही चीज़ बोले कि मैं विचारधारा के साथ चलना चाहता हूँ,
और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ एक विजन है, विचारधारा है, तो मैं उस विचारधारा के साथ राजनीति कर रहा हूं। क्योंकि मैं फिर पुनः एक बार आप लोग को कह देना चाहता हूं कि मैं इंसानियत और मानवता के पुजारी हूं, तो जो इनको मानते हैं, जो समता समानता को मानते हैं, मैं उनके साथ हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। ये राजनीति में है तो तरह तरह की बातें उठती है, मुझे भी कहीं ना कहीं खबर आया था कि ये राजद में जो है सो बड़े लेवल पे इनकी चर्चा हो रही है, इनको कि व्यवसाय से लिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं कहीं से भी इससे दूर दूर तक मेरा कोई नाता कोई रिश्ता नहीं है, इसमें मैं नकारता हूँ। तो ये थे हमारे साथ था सिंटू जी, जो कि लोजपा रामविलास पासवान की, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके कद्दावर नेता हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन तमाम सुर्खियों को नकार दिया कि राजद में जाने वाले हैं। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं चिराग पासवान के साथ था, चिराग पासवान के साथ रहूंगा और नगर परिषद में आगे देखते होने वाला क्या है। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन अजीत के साथ।